आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी द्वारा की गई कार्यवाही और कुछ नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले का विभिन्न राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। ईडी ने पाकिस्तान में बसे आतंकी सैयद सलाउद्दीन के साथ जम्मू कश्मीर में जुड़े लोगों की 13 संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इसके अलावा राज्य शासन ने नौकाशाही छोड़ रियासत की सियासत में आए शाह फैजल, पूर्व विधायक इंजीनियर अब्दुल रशीद और पीडीपी युवा इकाई के अध्यक्ष वहीद रहमान परा सहित 40 नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है, जिसकी कई दलों ने सराहना की है। हालांकि पीडीपी के नेता सरकार के इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। न्यूज पॉइंट के लिए जस्टिन कौर की रिपोर्ट। जिस तरीके से कल राज्यपाल मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो जबरन पॉलिटिशियन बनने का प्रयास कर रहा है, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा है, शाह फैजल और इंजीनियर रशीद जो हमेशा भारत के खिलाफ और जम्मू के विशेष तौर पे खिलाफ बोलता रहा है, और इसके अलावा पीडीपी का एक जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिसने कोशिश की है कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान वो पूरी तरीके से पीडीपी का एजेंडा लागू करता रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में रहा हो, वाहिद परा, इन सब की सिक्योरिटी विड्रा की गई है। बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि इनकी जो पीछे हरकतें रही हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है। सैयद सलाउद्दीन जैसा नासूर जो पाकिस्तान में पल रहा है और पाकिस्तान में रह के वो भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है और उसके पैदा किए हुए नासूर जो है जो भारत की सरजमीं पे पल फूल रहे हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं था। मुझे लगता है कि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले उसके लड़कों की को पकड़ा, कार्रवाई की और उसके बाद अब उसके 13 प्रॉपर्टीज़ को जो सीज़ किया गया है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ऐसी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी लोग जो हैं, चाहे वो कश्मीर में हैं, चाहे वो जम्मू में है, चाहे देश के किसी भी कोने में हैं, वो आतंकवादियों के अगर सिंपथाइजर्स तक भी हैं दूर दूर तक, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। न केवल सलाउद्दीन बल्कि दूसरे जो हुर्रियत के नेता हैं या राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनके साथ भी किसी किस्म की कंसेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र विरोधी बात करने वाला जो है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में मुलफ़ जो है, सख्त से सख्त कार्रवाई की हम उम्मीद जो है वो सरकार से रखते हैं। अगर किसी तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं या इंडिया हेट कैंपेन में मुलफ़ हैं तो सिक्योरिटी इनको रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन ये फैसला जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी के बाद होना चाहिए। अगर शाह फैजल जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में मुलफ़ होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, विड्रॉल होना चाहिए, और इसी तरीके से उन लोगों की सिक्योरिटी भी वापस ली जानी चाहिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। इसमें ना तो कोई कंसेशन पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी जानी चाहिए। पिक एंड चूज बेसिस के ऊपर सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की जाए। जो राष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट्स देते हैं, जो राष्ट्र खिलाफ के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान के हक में बात करने वाले लोग हैं, उनको सिक्योरिटी देने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है सलाउद्दीन का, अगर वहाँ पे उन्होंने छापे मारे हैं उसकी प्रॉपर्टी, ये तो आम सब हर जगह हो रहा है, तो लिहाजा जिन लोगों ने अगर कोई गलत किया है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो हम खाली, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि ये खाली पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जो जो लोग भी इसमें गलत हैं, जो जो लोगों ने इस रियासत के अंदर या इस देश के अंदर गलत किया है, उन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक इंस्टीट्यूशन जो ख़त्म कर रहे हैं गवर्नर साहब और एडवाइज़र जो हैं यहाँ रल मिलके, और आज जब ये सिक्योरिटियाँ विड्रा हो रही हैं, आप देखें कई पार्टियों का पिक एंड चूज कर रहा हो, नेशन कॉन्फ्रेंस का कोई नहीं विड्रा हुआ, कांग्रेस का कोई नहीं हुआ, बीजेपी के लोग हैं जो कई तो पार्टियाँ भी छोड़ चुके हैं उनके भी नहीं अभी तक विड्रा हुए, लेकिन है कि पर्टिकुलर जो पीडीपी है और जो दूसरे लोग हैं, चाहे शाह फैसल हुआ या दूसरे लोग हुए इंजीनियर शीद जैसे लोगों की सिक्योरिटी विड्रा की, इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है, ये पॉलिटिकल हरासमेंट है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिए जा रहे हैं और ये सोचते हैं कि या क्या पीडीपी के लोगों को डरा के उनकी सिक्योरिटियाँ विड्रा करके हम क्या झुक जाएंगे, क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की बनाई हुई तंजीम है, हम डरने वाले लोगों से नहीं है। अगर ये सिक्योरिटियाँ हमारी विड्रा करेंगे तब भी हम इलाकों में जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी, हमारी हिफाजत हमारे इस रियासत के लोग करेंगे।